तो वो कहते हैं ना कि आदमी का जब टाइम खराब होता है तो उसको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। तो कुछ ऐसा हो रहा है अक्षय कुमार के साथ। अब दोस्तों जैसा कि सोशल मीडिया पर तो वैसे तो इस बात को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं हैं कि धूम 4 हमें देखने को मिलेगी। हालांकि इस बात को लेकर के, इस फिल्म को लेकर के पिछले कई सालों से काफ़ी सारी चर्चाएं हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर धूम 4 को लेकर के हमें अपडेट्स मिलते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं जो कि ज़्यादातर तो फेक होती हैं, 100% कन्फर्म नहीं होती हैं। अब दोस्तों जैसा कि स्टार्स को लेकर के बहुत सारी खबरें आई कि इस फिल्म में जो कि विलन के किरदार में नेगेटिव जो रोल है, जो चोर का किरदार है, वो सलमान खान प्ले करने वाले हैं। उसके बाद शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान, यहाँ तक अक्षय कुमार का नाम भी जुड़ा था। यानी कि अक्षय कुमार को लेकर के सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएँ हुई थी कि धूम 4 में अक्षय कुमार विलन के तौर पर यानी कि चोर के किरदार में देखने को मिलेंगे। लेकिन यशराज फिल्म्स की तरफ से इसके बारे में अभी तक कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था कि धूम 4 में अक्षय कुमार को कास्ट किया गया है, यानी कि धूम 4 को लेकर के कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई थी। अब दोस्तों सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के रिसेंटली काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं कि अक्षय कुमार को धूम 4 से बाहर कर दिया गया है। अरे यार, धूम 4 में अक्षय कुमार को कास्ट ही कब किया गया था, इसके बारे में अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि धूम 4 से अक्षय कुमार को बाहर कर दिया गया? अरे यार, अक्षय कुमार को कास्ट नहीं किया गया था। हालांकि इस बात को लेकर के सिर्फ चर्चाएं थीं, चर्चाएं तो सलमान और शाहरुख को भी लेके हुई थीं कि धूम 4 में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ, अभी तक ऑफिशियली कौन सा एक्टर नजर आएगा, ऑफिशियली अपडेट अभी तक नहीं है धूम 4 को लेकर के। अब जैसा कि धूम 4 यशराज फिल्म्स की एक बड़ी फ्रेंचाइजी है, अब दोस्तों देखा जाए तो धूम के अब तक जितने पार्ट आए हैं सभी ब्लॉकबस्टर हिट हुए हैं, सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, एक कमाल की फिल्म साबित हुई है। अब ऐसे में लास्ट जो पार्ट आया था धूम 3, जिसमें आमिर खान हमें देखने को मिले थे, तो दोस्तों ऐसे में मेरा मानना है कि अक्षय कुमार को लेकर के इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ यार, अक्षय कुमार की इतनी मत लो। सो ऐसे में अक्षय कुमार को लेकर के जो इतनी सारी खबरें आ रही हैं धूम 4 को लेकर के कि अक्षय कुमार को बाहर कर दिया गया, उनका नाम जो खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये गलत बात है। क्योंकि अक्षय कुमार को कास्ट नहीं किया गया था तो उनका नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है। माना कि अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप हो गई, उससे पहले जो फिल्म को रिलीज किया गया तो वो भी फ्लॉप हो गई। लेकिन दोस्तों और भी अक्षय कुमार की कई सारी फिल्में आने को रेडी हैं। आप देख लीजिए, राम सेतु है, उसके बाद गोरखा है, ओ माई गॉड पार्ट 2 है, और रक्षाबंधन है, और भी कई फिल्में हैं। तो ओवरऑल बात करें तो अक्षय कुमार को लेकर के जो खबरें आ रही हैं बिल्कुल फेक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, धूम 4 के बारे में आपको क्या लगता है, धूम 4 में किस एक्टर को कास्ट किया जाना चाहिए, फिल्म के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।